हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू ट्रैक्टर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि BS6 बाइक क्या होती है और BS6 इंजन क्या है और व्हाट इज़ द फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों, BS6 नथिंग बट इट इज़ फुल फॉर्म भारत स्टेज 6, यानी कि BS6 बाइक्स में इंजन चेंज होता है जो कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसके ज़रिए जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम होता है और इसकी फ्यूल इफिशेंसी वो कार्बोरेटेड इंजन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। जैसा कि गवर्नमेंट की ओर से डेडलाइन है कि अप्रैल 2020 से BS4 इंजन्स की बाइक बिकना बंद हो जाएंगी, यानी जो इंजन कार्बोरेटेड टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसे BS4 इंजन कहते हैं, उससे उसकी बाइकें बिकना बंद हो जाएंगी। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से BS6 इंजन वाली बाइक्स ही मार्केट में बिक सकती हैं। तो ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से आधारित बाइक्स हैं, वो बाइकें 1 अप्रैल 2020 से बिकेंगी, BS4 नहीं बिकेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्यूल इंजेक्शन कैसे काम करता है। तो फ्यूल इंजेक्शन, जैसा कि नाम है इसका, कि इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो इंजेक्ट किया जाता है, यही टेक्नोलॉजी फ्यूल इंजेक्शन कहलाती है। यानी कि हाई प्रेशर पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इंजन के अंदर। तो जब हाई प्रेशर से फ्यूल को इंजन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो दैट टेक्नोलॉजी कॉल्ड फ्यूल इंजेक्टर। एंड कार्बोरेटर में फ्यूल का जो फ्यूल सक्शन के थ्रू इंजन के अंदर जाता है तो दैट इज़ बेस्ड ऑन कार्बोरेटर। और कार्बोरेटर इंजन जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन यानी कार्बन उत्सर्जित करता है। तो आपको तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप कोई बाइक खरीदने जा रहे हैं तो BS6 इंजन वाली बाइक ही खरीदें, कुछ पैसों के लालच में आकर के BS4 इंजन की बाइक्स ना खरीदें, जिससे कि आगे आपको पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।